हाय एवरीवन क्या हाल चाल एकदम स्वागत आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में और मैं आपका क्रेजी सर और आज का हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज द रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट यानी रे ऑप्टिक्स चैप्टर नाइन का ये लेक्चर थ्री है और इस वीडियो में आप सीखोगे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्पीड चेंज होती है तो क्यों हो रही है यहां पर वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम से रिलेटेड जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी हम सीखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं अगर आप आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है तो आप हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो और ये महिपालपुर में दिल्ली के अंदर लोकेटेड है एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं लिंक में दे दूंगा अदरवाइज स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा ये ठीक है सो यू कैन अगेन यू कैन जस्ट ज्वाइन अवर व्हाट्सअप चैनल जिसमें मैंने क्रेजी फॉर फिजिक्स के नाम से व्हाट्सअप चैनल बना रखा है ठीक है वहां जाके आप नो, डीपीपी नोट्स वगैरह उन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं एंड टेलीग्राम से भी उनसे जुड़ सकते हो और इंस्टा से भी जुड़ सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है क्योंकि हर चीज की शुरुआत एक डेफिनेशन के साथ होती है परिभाषा के बिना एक्चुअली में हमें चीज़ों के बारे में समझ नहीं आता है देखो रिफ्लेक्शन में क्या था लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट आती है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था हालांकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पाथ चेंज होता है लेकिन मीडियम चेंज नहीं होता लेकिन बच्चों यहां पर लाइट बैंड तो हो रही है ठीक है लाइट का यहाँ पे पाथ तो चेंज हो रहा है लेकिन लाइट का पथ किसी और मीडियम में जाने के बाद चेंज हो रहा है उसी मीडियम में नहीं हो रहा है ठीक है ना यानी इसमें लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो रही है सो व्हाट इज दिस ये अनादर फिनोमेना है लाइट का इट इज फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट When it goes from one transparent medium to another transparent medium. Okay. सो दिस इज द एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन तो यानी इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इट वोस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम ठीक है और इसके लिए आप ये भी लिखोगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया ओके पेयर ऑफ मीडिया यानी एट अ टाइम दो मीडियम के लिए ही ये वैलिड है आप ये नहीं कह सकते कि एक ही टाइम पे तीन तीन मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है नो यानी दो मीडियम का कॉम्बिनेशन होता है तो हाँ तीन अगर मीडियम ले रहे हो तो बच्चों पहले दो मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा फिर वो जाके तीसरे मीडियम में होगा तो ऐसे हो सकता है राइट तो अदरवाइज दो मीडियम के लिए जनरली ये रिफ्लेक्शन होता है बल्कि उसी के लिए होता है तीन के लिए होता नहीं है साइमल्टेनियसली तीन के लिए पॉसिबल नहीं है केवल दो के लिए पॉसिबल है अब ये है क्या इसका मतलब क्या ये समझना जरूरी है देखो लेट कर लो बच्चों ये क्या है कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसका मतलब ऊपर सपोज एयर है और ये वाला ग्लास है ऊपर क्या है एयर है और ग्लास है राइट right? तो यहां पे हम लेट करते हैं ये क्या है नॉर्मल है बच्चों दिस नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है बेटा ये भी एक रे है ठीक है ये भी क्या है एक रे है आप इसको ऐसे दिखा दो ठीक है यानी लाइट रे जो है परपेंडिकुलरली ऐसे एंटर कर है चलिए और ये हमारे पास ये इंटरफरिंग मीडिया है ठीक है इंटरफेरिंग मीडिया है ठीक है या इंटरफेसिंग सरफेस आप बोल सकते हो इंटरफेरिंग मीडिया बोल लो या फिर मीडियम इंटरफेरिंग सरफेस या फिर मीडिया इंटरफेरिंग सरफेस राइट जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहे हैं लेट करते बच्चों यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है देखो मैं जनरली यहां पे जितनी भी चीजें कराऊंगा जो म्यू टू होगा वो डेंसर मीडियम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा और म्यू वन को मैं रेरल मीडियम को रिप्रेजेंट करूंगा अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे रेरर और डेंसर मीडियम होता क्या है देखो क्या लिखा है मैंने इट इज द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट वेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इन टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मीडियम मीडियम फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम ओके तो यानी कि लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है देखो ये है इंसिडेंट रे व्हाट इज दिस इंसिडेंट रे राइट ये क्या है इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है ओके okay? नाउ ये जो लाइट है ये एयर में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है लेट करते हैं। इस लाइट की स्पीड क्या है बच्चों? सी है इस लाइट की स्पीड जो एयर में ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड सी हो गया सपोज हमने इसको ऐसे कह दिया राइट right? अब जैसे ये इस वाले मीडियम में एंटर करेगा ग्लास के अंदर जब ये लाइट ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो लाइट का जो पाथ है बच्चों वो चेंज हो जाएगा देख रहे हो ये चेंज हो गया इसका मतलब लाइट कैसे जानी चाहिए थी लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी अगर ये ग्लास मीडियम नहीं होता तो बेटा लाइट तो सीधी चली जाती है ना लेकिन लाइट सीधी नहीं जा रही है लाइट क्या होगी इस मीडियम में सेकेंड वाले मीडियम में आने के बाद लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई ये इस नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेरर में जा रही है तो फिलहाल ये रेरर मीडियम है बच्चों विच इज ऑप्टिकली रेरर ठीक है ऑप्टिकली रेरर रेरर का मतलब ये मत समझना कि इसकी डेंसिटी कम है इसलिए इसको रेरर बोल रहे नो बेटा इसलिए हम इसको रेरर नहीं बोल रहे हम रेरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है ठीक है और इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कम है इसलिए इसको हम रेरर और सेकेंड वाले मीडियम को डेंसर बोल रहे हैं ठीक है ना डेंसर का मतलब ये भी आप कह सकते हो ऑप्टिकली डेंसर कि इसमें पार्टिकल पास पास है उसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर है राइट तो लाइट को ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है आप इसको यही समझ के चलो बिच्चो कि ऑप्टिकली रेरर का मतलब है कि उस केस में स्पीड ऑफ लाइट जो है ज्यादा होगी और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर कम होगी ठीक है चलो फिलहाल तो हम इसको और समझते हैं आगे तो यानी कि ये है एंगल ये है इंसिडेंट रे और ये जो रे आई है दूसरे मीडियम के अंदर इसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे राइट तो नाउ अब जो इंसिडेंट रहे नॉर्मल के साथ क्या बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा और ये वाला नॉर्मल नौर, बच्चों हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल बनता है ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होगा ओके नाउ मैंने एक और चीज यहां पे नोटिस की ये दिस इज इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है यानी लाइट जो है इतने एंगल से डेविएट हो गई अपने पाथ से यानी लाइट यहां से यहां इतने एंगल तक डेविएट हो गई है तो इसको मैं एंगल ऑफ डेविएशन बोल दूंगा राइट right? चलिए ये नॉर्मल हो जाएगा यहां पे तो यानी कि अगर आप देखो तो यहां पे एक फिनोमिना और भी हो रहा है बल्कि दो और हो रहे हैं इवन दो पहला इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है बच्चों और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है एंड रिफ्रैक्शन भी हो रहा है तो फिलहाल हम प्योर रिफ्रैक्शन को समझ रहे हैं यानी कि इंसिडेंट रे लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इन टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम दैन इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ओके या बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अबेंड करता अगेन की मीडियम रेरर से डेंसर में एंटर कर रही है लाइट या डेंसर से रेर में लाइट एंटर कर रही है ओके सो यानी दिस इज द इंसिडेंट रे और ये रिफ्रेक्टेड रे हो जाएगा दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट जो है बैंड हो गई अभी बैंड क्यों हो रही है बच्चों बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पे स्पीड जो है वो चेंज हो रही है क्या हो रही है स्पीड चेंजेस इन अनादर मीडियम ठीक है डेट्स वाई द लाइट इज बेंडिंग ओके और स्पीड चेंज होने का मतलब बच्चों क्या है इसका इसका वेव भी चेंज हो रहा है क्या हो रहा है इसका वेव भी चेंज हो रहा है ऑल्सो वेव चेंजेस तो यानी दो कारण है बच्चों आप कह सकते हो कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन होने का जो कारण है बच्चों वो ये है कि स्पीड इज चेंजिंग इन अनादर मीडियम एंड द वेवलेंथ इज चेंजिंग इन अनादर मीडियम अब वेवलेंथ सर कैसे चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो वेवलेंथ जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी स्पीड क्या होती है बच्चों स्पीड जो है वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है राइट right? बट सर फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होनी चाहिए नहीं बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी अब फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगी मान लो बच्चों ये ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है ओके और मान लो कोई लाइट आ रही है इस तरीके से ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है ये यह क्या यहां पर कितनी मैंने यहां पर वेब ड्रॉ किए बच्चों यहां पर मैंने ड्रॉ है एक तरह से देखा जाए तो यहां मैंने एक और मैं इसको और ड्रॉ कर देता हूं रुको एक मिनट या देखो यहां पे मैंने दो वेव ड्रॉ किए ये जो आप देख रहे हो ये ये क्या है ये 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 इसकी वेवलेंथ है था ये, ये है मान लो मीडियम मीडियम था और ये मीडियम क्या है टू है राइट तो यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं हो रही वाई ओनली जस्ट लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही है ठीक है लाइट की स्पीड चेंज हो रही है बट फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही वाई बिकॉज ऑफ बच्चों यहां पर देखो नंबर ऑफ वेव्स है ठीक है हाँ यहां पे दो वेव्स की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अब यहां पे एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा लेन और दूसरे की वेवलेंथ क्या है बच्चों मान लो इस वेव इसकी वे, आ, लैम, लैम्डा लेंथ इसकी भी बच्चो ठीक है अब जैसे ही ये इस वाले मीडियम में एंटर कर रही है ठीक है इस वाले मीडियम दोनों की वेवलेंथ सेम ही रहेगी ठीक है वो चेंज हो नहीं सकती लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी बच्चों ये वेवलेंथ छोटी हो जाएगी ओके इसका मतलब भाई जितनी वेव इस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उतनी वेव उतने ही दूसरे वाले मीडियम में जा रही है भाई नंबर ऑफ वेव तो कम नहीं हो सकती ना ये छोटी हो जा रही है बच्चों और छोटी साथ साथ ठीक है लेकिन बच्चों लेकिन बच्चों छोटी तो हो जा रही है लेकिन लेकिन नंबर ऑफ वेव कम नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है राइट तो यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे सो जो वेव की संख्या है वो कांस्टेंट है इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इस सेम तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में बच्चों क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज सेम रहेगा ठीक है तो ये याद रखना तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते यानी ड्यूरिंग द रिफ्रेक्शन फिनोमिना लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है वेवलेंथ चेंज हो जाता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ये ध्यान रखना ओके फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इंडेक्स की यानी कि स्नेल्स लो और कुछ लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन की हम बात करेंगे तो अगर देख लो बच्चों कॉपी कर लो सारे के सारे पैन कॉपी निकाल के बैठा करो ओके okay? चलो यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको जैसे आई है तो ये आई किसके बराबर होगा ये पूरा आई हो जाएगा तो यहां पर जो आई होगा डेल्टा प्लस आर के बराबर होगा यू कैन सी इजीली दिस आई इज आई होप सो आई एम राइट नो 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 नहीं नहीं ये नहीं होगा सॉरी ये नहीं होगा टेट फाइन सॉरी या चलो आगे बढ़ते हैं आप नाउ सी नेक्स्ट इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ Refraction. तो पहला लॉ वही इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड इन द सेम प्लेन हम यहां पे इजिली देख सकते हैं इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है बच्चों ये प्लेन का मतलब जानते हो ना आप इसमें कोई भी ट्राइंगल बना दो एक रेक्टेंगल बना, बना दो स्क्वायर बना दो तो ये सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर लाइक करेगा राइट यानी टू डायमेंशन में बच्चे किसमें है टू डायमेंशन में लाई कर रहे हैं ओके सो so, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ओके चलो ये तो ठीक है फाइन नाउ सेकेंड इसके अंदर बच्चों है स्नेल स्लो क्या है स्नेल स्लो ओके स्नेल स्लो स्नेल स्लो क्या कहता है स्नेल स्लो बच्चों कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो होता है कांस्टेंट और ये होता है म्यू वन टू के बराबर अभी हम इसकी बात करेंगे डिस्कस करेंगे है क्या ये ठीक है तो मतलब द साइन रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई और अब ये कॉन्स्टेंट किसके लिए होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर अः लाइट जो गिवन कलर है जो लाइक वेव लेंथ फॉर अ गिवन वेव लेंथ ओके उसके लिए आप कह सकते हो तो यानी कि रेशियो होगा और का ये हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा सिंपल सी बात है चलो अब ये मैंने क्या लिखा है ये, जो है, ये index के बराबर होता है। क्या होता, ये? ये होता है index. Okay? Index. ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओके वट इज दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताता क्या है बेटा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है कितना ऑप्टिकली रेयरर है इसका मतलब जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा ठीक है इसका मतलब मोर मोर द द इंडेक्स इज़ मीडियम डेंसर ठीक है मोर इज द मीडियम डेंसर ठीक है तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होगा डेंसर होगा राइट तो ये नहीं आप कह सकते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेरर मीडियम का मतलब जो होता है, ये से है. No, से नहीं है. का से होता है इसका मतलब कैरोसिन ऑयल ज्यादा डेंसर है वाटर से इवन दो कैरोसिन ऑयल वाटर पे तैरता है समझ रहे हो कैरोसिन ऑयल तो पानी पे तैरता है क्यों तैरता है कैरोसिन ऑयल का जो डेंसिटी होता है पानी से कम होता है इसलिए कैरोसिन ऑयल पानी पे तैरता है लेकिन कैरोसिन ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है इसका मतलब लाइट जो है वो कैरोसिन ऑयल में नॉर्मल की तरफ ज्यादा बैंड होगी वेन इट गोज फ्रॉम रेर टू कैरोसिन ऑयल ओके एज कंपेयर टू वॉटर तो यानी कि यहां पे स्नेल स्लो यही बोल रहा है बेटा स्नेल कोई वो नहीं है क्या बोलते उसको हम घोंगा है 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 ना वो स्नेल जो है। That is, is name of the scientist बच्चा ये का नाम है, राइट? तो इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट राइट चलो खैर यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एक सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा राइट right? आप रेड लाइट ग्रीन लाइट ब्लू लाइट आप पास करोगे तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, पे, या करता है पे, okay? आप उल्टा भी बोल सकते हो वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वे ऑफकोर्स ठीक है चलो सी आगे इसको हम थोड़ा और एलाबोरेट कर रहे हैं बच्चों न राइट दिस साइन आई अपॉन में साइन आर दिस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर ठीक है यानी आप इस फॉर्मले को ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों म्यू टू साइन आर यानी जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इंटू में साइन आई और जिस मीडियम में लाइट रिफ्रेक्ट हो रही है उस मीडियम रिफ्रेक्ट का रिफ्रेक्टिव आ, इंडेक्स इन टू में साइन आर ओके तो ये थोड़ा ध्यान रखना म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो और अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं कम एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है ठीक है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहां पे साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर हो जाता है तो ये थोड़ा सा दिमाग में चीजें रखना राइट चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों प्योरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन वही कि कोई मीडियम कितना डेंसर है कितना रेरर है ऑप्टिकली हा ऑप्टिकली ठीक है ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता करते हैं अदरवाइज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही यही होती है इट इज द रेशो यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ठीक है वन और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अभी वन टू का कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों यानी कि लाइट जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम वन मैंने बोल दिया यहां पे ठीक है और जिसमें ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मैंने मीडियम टू बोल दिया है ठीक है ये यह यहां पे इसका मतलब है यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ टू गिवन मीडिया यानी दो गिवन मीडिया में लाइट की स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं

स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन इन द डेंसर मीडियम ठीक है ना एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम यानी कि सपोज एयर है मान लो यहां पर एयर है और यहां पर सपोज वाटर है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका म्यू टू है यानी कि म्यू वन क्या है यहां पर म्यू वन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम होता है वॉटर का बच्चों वन पॉइंट थ्री थ्री होता है और एयर का वन होता है राइट right? तो इसका मतलब लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होगी यानी तीन गुणा में दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड के आसपास है ना और इस वाले मीडियम में वाटर में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों म्यू टाइम्स कम हो जाएगी मतलब इट इज लेस देन दिस तो मतलब जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है ओके okay? और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है बच्चों उसे हम क्या बोल रहे हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोल रहे हैं और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम क्या बोल रहे हैं हैं ऑप्टिकली डेंसर बोल रहे ठीक है तो यानी अ लाइट फ्रॉम ऑप्टिकलीर टू डेंसर मीडियम द लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड वेन द लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओके ये बात भी हम समझेंगे भाई बताएंगे सब बताएंगे चलो फिलहाल के लिए हम आगे और बढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टाइप्स इसके दो टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो पहला टाइप है बच्चों एप्सुल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी एप्सुलूट क्या होता है एप्सुल्यूट में एक मीडियम एयर होता है और दूसरा मीडियम होता है आ, कोई भी मीडियम अदर मीडियम ठीक है एक तो वन ऑफ द मीडियम इज एयर मतलब दो मीडियम में से एक मीडियम क्या होगा एयर तो होगा ही होगा तब हम कहते हैं इंडेक्स इसका मतलब बच्चों यानी इसको हम सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं वैसे तो ठीक है म्यू से रिप्रेजेंट कर लो या इसको हम लिखेंगे म्यू एयर टू एनी मीडियम ओके एयर टू एनी मीडियम इसका भी मतलब मैं समझाऊंगा है क्या ये ठीक है इसका मतलब है बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एयर ठीक है देखो अब यहां पे मैंने जो सिंबल लिखा है ना म्यू के ऊपर यानी यानी इसे हम बोलते हैं और ये सब है light जो है लाइट जो एयर से मीडियम में एंटर कर रही है इसका मतलब हो गया लाइट एयर से मीडियम में एंटर कर रही है मतलब लेट कर लो बच्चो ये यहां पर मैंने एयर मीडियम बना दिया और ये मीडियम दूसरा वाला कोई भी मीडियम अदर देन एयर है ओके इस एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका म्यू टू म्यू वन का मतलब बच्चों वन होता है और इसको म्यू कह देते हैं फिलहाल मीडियम का बच्चों लेकिन दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने क्या बोलते हैं म्यू बोल दिया वही म्यू यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंबलाइज करना सिखा रहा हूं आपको फिलहाल तो लाइट मान लो ऐसे ये एंगल आई पे जा रही है ऐसे रिफ्रेक्ट हो गई ठीक है एंगल आर पे ओके अब नाउ ना क्या है बच्चों यहां पे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं यहां पे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं ठीक है एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो जब एयर के रिस्पेक्ट में आप क्या निकालते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं एप्सुल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ठीक है तो एप्सुल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो बच्चों यहां पे हो जाएगा इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसी भी मीडियम में एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है ठीक कुछ भी एयर वैक्यूम दोनों सेम है राइट तो यानी कि दिस इज म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन इन एयर और अपॉन में इन वैक्यूम राइट तो यानी किसी भी मीडियम में सॉरी इन मीडियम तो किसी भी मीडियम में जो लाइट है वो म्यू टाइम्स कम हो जाती है कितने टाइम्स कम हो जाती है म्यू टाइम्स तो आपने पढ़ा होगा क्लास में अ लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम सो लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाने के बाद म्यू टाइम्स कम हो जाती है कितने टाइम्स कम हो जाती है म्यू टाइम्स एंड म्यू क्या है यहां पे म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ठीक है वेन द लाइट गोज फ्रॉम एयर टू Uh, 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 ठीक है ना जब कोई लाइट एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है मैं right? मैं करा के दिखाता आपको कर लो कि भाई यहां पे ये air है, okay? ये है है और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एयर का तो भाई बन ही होता है है ना एयर का तो ही होता है तो आपसे बोला जाए कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट सी है तो इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी यानी इस वाले मीडियम में डेंसर मीडियम में ये रेर मीडियम है बच्चों और ये क्या है डेंसर मीडियम है तो रेर से जब डेंसर में लाइट जा रही है तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी वर्ड इज दिस स्पीड ऑफ लाइट तो सिंपल सा आंसर है तो वी इक्वल टू सी बाई म्यू होता है यानी सी हमारे पास कितना होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट हो, होता है और म्यू इज वन पॉइंट फाइव तो फाइव से 1.5 से 2 पे 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इन मीडियम तो लाइट जो है इस मीडियम में आने के बाद लाइट की स्पीड 2 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ओके okay? तो देखो ये तो हो गया एप्सुल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर मैं इसको वेवलेंथ की टर्म में बात करता हूं तो क्या आएगा आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा पोज करके वीडियो को कॉपी कर लेना ठीक है एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड राइट चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल नौ बच्चों अब देखो यहां पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ओके तो भाई इसमें तो वेवलेंथ सपोज लेमडा वन है तो इसमें क्या हो जाएगा लेमडा टू हो जाएगा तो मतलब एयर में लेमडा वन है और उस मीडियम में वेव लेंथ हो जाएगा बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें तो रिफ्रेक्टिव एप्सुलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एप्सल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों जो आ जाएगा हमारे पास दैट इज वॉट दैट इज सी अपॉन में वी सी का मतलब होता है म्यू लेमडा वन और म्यू टू यानी टू तो यू कैन इजिली सी दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम यानी जो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है सेकेंड मीडियम में ठीक इस इस है इसके इसमें जो वेवलेंथ है लाइट की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ वी कैन इजिली सी ठीक है ओके okay? ये लाइट की वेवलेंथ है एयर के अंदर फाइन चलिए तो आप वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो ठीक है अगर आपको पता है कि भाई यहां पे 400 नैनोमीटर का कोई लाइट एंटर कर रहा है तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए मान लो कोई लाइट है ठीक है मान लो कोई लाइट है और इस लाइट की जो वेवलेंथ है बच्चों एयर में 400 नैनोमीटर है क्या है एयर में 400 नैनोमीटर तो व्हाट इज द वेवलेंथ इन दिस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग दैट इज 1.5 ओके तो व्हाट इज द वेवलेंथ इन दिस मीडियम तो इस लाइट की इस मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी तो सिंपल सा आंसर है ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे सो म्यू इक्वल टू होता है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ठीक लेमडा वन वी हैव गिवन 400 jake, okay? 400 नैनोमीटर तो 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 क्या ओके में 1.5 इसको काट लो आप चाहो कितने पे कटेगा 15 15 धोनी 30 और फिर बच्चा कितना 10 और जीरो पंद्रह छिके नब्बे फिर 10 और जीरो फिर पंद्रह छिक नब्बे पंद्रह छिक नब्बे पंद्रह छिक नब्बे है ना 266.66 नैनोमीटर के आसपास ये वेवलेंथ आ जाएगा ओके okay? तो यानी लाइट का इस वाले मीडियम में एयर से जब लाइट किसी मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसकी जो वेवलेंथ है 266.66 नैनोमीटर हो जाएगी ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यू आर गेटिंग माय पॉइंट ठीक है सो नाउ कॉपी कर लो सारी चीजें बच्चों जैसे-जैसे पढ़ाता जा रहा हूं और अब बढ़ते जा रहा है नेक्स्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तरफ चलो ये मिटा दे रहा हूं मैं चलो सेकेंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेकेंड टाइप दूसरा जो है बच्चों उसे हम बोलते हैं दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब होता क्या है मान लो दो मीडियम है और एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और एक मीडियम ऑप्टिकली रेयर है ठीक है यानी एयर नहीं है अदर देन एयर की हम बात कर रहे हैं ओके ये मान लो कोई मीडियम वन है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसमें स्पीड ऑफ लाइट वी वन है ठीक है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये आर है ये रिफ्रेक्टेड राइट लाइट है ठीक है और यहां पे लाइट की स्पीड बी टू है यहां पे वेव लेंथ लेमडा वन है और यहां पे वेव लेंथ लेमडा टू है बट फ्रिक्वेंसी दोनों केस में सेम है राइट ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीडियम टू हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू लाइट कर लेते हैं सो दिस इज द लेस देन म्यू टू यानी ये सपोज रेरर मीडियम है और ये सपोज क्या है बच्चों डेंसर मीडियम है ओके okay, चलो इतनी सारी बातें मैंने यहां पे दिखा दी आपको नाउ सी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों इसको टू का मतलब क्या है? लिखा है मैंने इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है इस सिंबल का मतलब है लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम और अगर लाइट सेकेंड से फर्स्ट में एंटर करेगी तो आप इसको कैसे लिखोगे इसी को मैं एक और तरीके से लिख के दिखा रहा हूं आपको रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू टू वन ठीक है यानी कि इस केस में जो लाइट है अब बच्चों वो कहां से जा रही है डेंसर से ठीक है इसको मैंने रेरर बोल रखा था, था चलो रेरर हो गया ये और ये सपोज डेंसर है अब लाइट जो है सपोज बच्चों इस डेंसर से रेरर के अंदर एंटर कर रही है ठीक है

वेलोसिटी ज्यादा है और ये डेंसर मीडियम में बी टू है वेलोसिटी कम है मैंने इसलिए इसको ऐसे सिंपलाइज किया है इसका मतलब वी वन इज मोर देन बी टू है दोनों केस में फिलहाल ताकि हम फॉर्मूले को ज्यादा इजीली समझ सके नाउ सी तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों अगर मैं ऐसे वन म्यू टू लिख रहा हूं तो लाइट जो है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और अगर मैं टू वन लिख रहा हूं तो टू म्यू वन तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम राइट रिफ्लेक्टिव so, इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन दिसमी वन और लैमडा वन बाई लैमडा टू आ जाएगा लैमडा वन बाई लेमडा टू अब देखो वन और म्यू टू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं जरा इसको समझो बच्चों यानी हम इसको कैसे लिखेंगे

क्या सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है तो वी टू बाई वी वन यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का तो आप इसको लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ टू गिवन मीडिया ठीक है आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडिया राइट चलो फिलहाल अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं जरा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोकल है इफ आई मल्टीप्लाई म्यू वन म्यू टू और इन टू में म्यू टू वन दिस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू वन बाई म्यू टू तो ये म्यू टू से म्यू टू कट गया म्यू वन से म्यू वन कट गया तो आंसर आ जाएगा वन तो इसका मतलब यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे जो प्रोडक्ट है टोटल रिफ्लेक्टिव रिफ्रेक्टि, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है वन के बराबर है इससे हमें यह पता चलता है कि लाइट रिवर्स भी हो सकती है जी हां जिस पाथ से लाइट यहां से दूसरे मीडियम में गई है उसी पाथ से लाइट दूसरे वाले मीडियम से पहले वाले मीडियम में वापस आ सकती है नई बात समझ आई देखो अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो जो पाथ इसने फॉलो किया है तो यह वापस रिवर्स भी हो सकता है यह लाइट ऐसे भी जा सकती है अगर यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन हो रहे हैं तो लाइट अपनी पाथ को रिट्रेस कर सकता है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो यानी दिस इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन यानी ये दोनों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यानी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी इस केस में लाइट कैन रीट्रेस इट्स पाथ रीट्रेस इट्स सेम पाथ सेम पाथ को रिट्रेस कर सकता है मान लो लाइट ऐसे आई ऐसे चली गई तो लाइट ऐसे जाके ऐसे भी आ सकती है ठीक है उल्टा भी हो सकता है लाइट ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी आ सकती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ठीक है चलो तो ये तो बच्चों हो गया और क्या कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में इस पर अगर मैं एक एक दू, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इस पर रिलेटेड चलो इसको पहले ना एक चीजों से और समझते हैं फिर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको चलिए देखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मान लो मेरे पास दो से ज्यादा मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है ठीक है ये सपोज एयर है ठीक है ये कोई मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन इसको हम म्यू टू कह देते हैं ये म्यू थ्री और ये सपोज म्यू वन वापिस एयर आ गया यानी लाइट यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करती है ओके फिर ये ऐसे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट करती है फिर उसके बाद ऐसे रिफ्रैक्ट होती है इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं तो ये कुछ ऐसे चलिए इस तरीके से तो यानी यहां पे मल्टीपल रिफ्रेक्शन हो रहा है पहले इन दोनों मीडियम के बीच में रिफ्रेक्शन हो रहा है फिर इन दोनों के बीच में उसके बाद वापस लाइट एयर में आ गई ठीक है अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा अगर मैं इन दोनों मीडियम का रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालता हूं तो क्या आ जाएगा यानी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा म्यू वन

अगर आप देखो यहां पे तो जो क्या कहते हैं म्यू थ्री वन है म्यू थ्री वन ये किसके बराबर हो जाएगा वन अपॉन म्यू वन टू इन टू म्यू टू थ्री के बराबर हो जाएगा राइट इसको मान लीजिए डिवाइड कर देंगे तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें म्यू टू बाई म्यू वन इन टू म्यू थ्री बाई म्यू टू ये तो कट गया बच्चों म्यू वन ऊपर आ जाएगा राइट या एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो म्यू थ्री बाई म्यू वन और ये क्या शो कर रहा है यानी कि यहां पे जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो यहां भी फॉलो हो रही है इसका मतलब पहले और तीसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे के ठीक है तो ये थोड़ी सी बातें थी इसके अंदर इससे रिलेटेड सो बच्चों नुमेरिकल करते हैं जरा देखो जरा एक नुमेरिकल यहाँ पे है काफी ठीक िकल है मतलब इतना मैं नहीं कहूंगा कि हाई लेवल का नुमेरिकल बहुत सिंपल नुमरिकल से बट एक यहाँ पे रिलेटिव जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको समझने के लिए हम ये एक अच्छा एक नुमेरिकल है ओके okay? तो क्या है इसके अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वन पॉइंट फाइव एंड डेट ऑफ वाटर इज वन पॉइंट थ्री इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड देन वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि यहां पे बोला जा रहा है कि जो लाइट है पानी के अंदर इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है यानी 2.25 पॉइंट टू फाइव इंटू की पावर 8 मीटर पर सेकंड से पूछा गया यहां पे ग्लास का अगर इंडेक्स 1.5 है और वाटर का 1.3 है तो बताइए कि ग्लास के अंदर ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी तो बच्चों यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमें गीवन है दे रखा है बट इसका आंसर टू नहीं आएगा जैसा हम सोच रहे हैं क्या आप सोचोगे सर हमें तो पता है कि भाई लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो जो लाइट की स्पीड है टाइम्स कम हो जाएगा वेरी सिंपल बट इसको अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपको शायद पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है और अगर जेई में सवाल आ गया हालांकि ऐसा आएगा नहीं आई नो डैट ठीक है या नीट में आ सकता है ऑफकोर्स नीट में इट कैन बी नीट में बहुत लाइट सवाल होते हैं मीन्स भी पूछा जा सकता है मे बी चांसेस हैं बट अगर इन आ गया और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड और आप आंख बंद करके टिक करके आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे हो सकता है बगल में कोई एक और ऑप्शन छुपा बैठा हो वन पॉइंट नाइन फाइव का मे बी समथिंग ठीक है वो आंसर हो सकता है यस yes, का भी डिफरेंस अगर है आपके आंसर में तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे राइट या तो करेक्ट होगा पूरा या फिर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा राइट चलिए करेंगे कैसे बच्चों तो लेट करते हैं कि भाई ये पानी है ऊपर क्या है वाटर है और ये क्या है बच्चों ग्लास है यानी लाइट जो है इस वाटर से यानी कि ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है राइट right? लाइट कहां से एंटर कर रही है वाटर से ग्लास के अंदर तो पूछा गया इस ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है स्पीड ऑफ दिस लाइट इन ग्लास तो लेट करते बच्चों यहां पे लाइट की स्पीड पानी के अंदर हम v1 कह देते जो कि हमें कितनी वैल्यू इसकी है टू पॉइंट की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो हमें पे हमने करते हैं कि ग्लास वाटर के अंदर लाइट की स्पीड इस गई राइट और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे अगर हम देखें यहां पे ग्लास में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का डेट इज द्वाइंट फाइव तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे तो यहां पे जो लाइट है मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है मीडियम वन इज वाटर सो वन से टू ऐसे लिखेंगे अगर एक ग्लास से उसमें जाता तो वो टू वन हो जाता ओके तो यानी लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रही है तो ये क्या हो जाएगा म्यू टू बाइक व्यू वन हो जाएगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू राइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू हमें यही वैल्यू बच्चों क्या करनी है फाइंड करनी तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से ठीक है सो यहाँ पे जो वी टू हो जाएगा बच्चों वी वन अपॉन वी वन म्यू वन अपॉन म्यू टू के बराबर हो जाएगा अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो तो वी वन हमारे पास टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एट है बच्चों म्यू वन कितना है मेरे पास वन पॉइंट थ्री है अपॉन वन पॉइंट फाइव हो जाएगी अगर आप इसको काटोगे पंद्रह निम्मा सॉरी फाइव फिफ्टीन वंजा फिफ्टीन कितना बचेगा ये बच्चों ये बचेगा सेवन और फाइव यानी अच्छा वन पॉइंट फाइव पे कट जाएगा कोर्स ठीक है ठीक है तो हाँ पच्चीस पंद्रह पच्च, पंद्रह पच्चीस हो जाएगा दो सौ पच्चीस हो जाएगा राइट तो इसको सॉल्व इनटू कर लोट इंटू वन पॉइंट थ्री तेरह पंजे पैंसठ कैरी गया छह तेरह तेरह और छह कितना हो जाएगा बेटा उन्नीस सो वन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो देखो ये इसका आंसर है बच्चों यानी जो लाइट है अगर वाटर से ग्लास के अंदर एंटर करती है तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड इतनी हो जाएगी यानी और कम हो जाएगी 1.95 पॉइंट नाइन टेन की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ओके चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा तो ये सवाल देखिए जरा इसको रीड करते हैं पहले तो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज नाइन बाई एट एंड इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आर आई का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज थ्री बाई टू तो हमें क्या निकालना है है बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना ओके मतलब क्या है इसमें सवाल का कि मां यहां पे तीन मीडियम दे दिए बच्चों एक दो और तीन ओके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि मान लो अगर ये सपोज ग्लास है ये वाटर है और ये एयर है ओके एंड अगेन ऊपर भी एयर ही होगा कोर्स दिस इज आल्सो एयर राइट तो इन्होंने क्या बोला है भाई ये एयर ग्लास और वाटर और इसके बाद वापस एयर तो तीन मीडियम है एक तरह से तो लास्ट में तो अल्टीमेटली एयर ही आ जाता है आ जाता है राइट सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर यानी ग्लास और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट रि टू वाटर वाटर यानी कि लाइट से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है इस लाइन का मतलब ये हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम ऐसे लिखेंगे ठीक है ऊपर वाटर आएगा सुपर स्क्रिप्ट में और नीचे सबस्क्रिप्ट में जी आ जाएगा राइट जी इज अ सिंबल फॉर ग्लास डब्ल्यूज सिंबल फॉर वाटर नाउ इसकी जो वैल्यू दे रखी बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एस थ्री बाई टू यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए आर एस थ्री बाई टू यह भी हमें दे रखा है तो सवाल पूछा गया बेटे बच्चों फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एयर तो यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट हमें पता है अगर हम एक जगह से लाइन को पकड़ लें मान लो लाइट पहले एयर में थी फिर वो ग्लास में आ गई ठीक है ग्लास से फिर वो कहाँ चलेगी पानी के अंदर चलेगी पानी से फिर वापस वो एयर में आ जाएगी ओके ऐसे तो यानी कि अगर हम देखें तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एयर ग्लास ग्लास वाटर फिर वाटर एयर इन तीनों का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो वन के बराबर होगा मतलब इफ यू सी ए अगर मान लो लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है पहले इन टू में फिर लाइट जो है बच्चों वाटर से ग्लास में जा रही है सॉरी ग्लास से वाटर में जा रही है ओके okay? और अल्टीमेटली लाइट कहां पे आ गई एयर में यानी कि सॉरी वाटर से ग्लास से वाटर है ना ग्लास से वाटर और अल्टीमेटली लाइट जो है वाटर से एयर में आ गई तो इनका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या होगा वन होगा यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन दिस कंडीशन इज इक्वल टू वन हो जाएगा प्रोडक्ट जो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इंडेसिस का वो वन के बराबर होगा तो याद रखना हमेशा ए जी फिर जी डब्ल्यू फिर डब्ल्यू ए तो मतलब लाइट कॉन्टिन्यूसली एयर से ग्लास ग्लास से वाटर वाटर से एयर में ऐसे जानी चाहिए राइट अब आगे पीछे रैंडम ऑर्डर नहीं कर सकते चलो नाउ सी बच्चों यहां पे नाउ हमें क्या दे रखा है बच्चों ए जी हमें डायरेक्ट पता है बट ये हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है इफ यू सी दिस इज नॉट गिवन डायरेक्टली एंड ऑल्सो दिस इज नॉट गिवन डायरेक्टली और हमें पता है बच्चों कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है एक दूसरे के क्या होता है जो दो मीडिया के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ओके यानी कि वन म्यू टू इजिकल टू वन बाई टू म्यू वन राइट इट मीन्स डैट ए म्यू जी का मतलब बच्चों ये तो ऐसे ही रहेगा बस इसको हम क्या कर देंगे वन बाई म्यू वाटर जी लिख देंगे और इसको भी हम क्या लिख देंगे वन बाई क्या लिख देंगे म्यू ए वाटर लिख देंगे और दिस इज इक्वल टू वन राइट हमें तो बच्चों ये फाइंड करना है ये वाला ये फाइंड करना है तो बस इसको हम लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे और ये लेफ्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा राइट uh, साइड right में लेके चले जाएंगे और ये लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा ए म्यू ची अपॉन में डब्लू म्यू जी ओके यहाँ पे एक टर्म बचेगी एंड दिस इज इक्वल टू म्यू ए डब्ल्यू तो ये इधर क्रॉस into हो जाएगा अब हमें पता है इसकी वैल्यू हमें दे है नाइन बाई एट और इसकी वैल्यू हमें दे है, सॉरी इसकी वैल्यू हमें दे है थ्री बाई टू और इसकी वैल्यू हमें दे है नाइन बाई एट तो यार यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बच्चों ऊपर आ जाएगा थ्री बाई टू और नीचे क्या आ जाएगा नाइन बाई एट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए डब्ल्यू ए म्यू डब्ल्यू ठीक है यही हमें फाइंड करना था अगर आप देखोगे थ्री थ्री नाइन टू फोर जट हो जाएगा सो दैट इज वॉट एम यू डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू फोर बाई थ्री ओके सो नाउ फाइनली जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बच्चों किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओके और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री होता है ठीक है ये एक ब्यूटीफुल सा न्यूमेरिकल था ये थोड़ा सोचने वाला न्यूमेरिकल था बिल्कुल मैं बोलूंगा ओके okay? तो इसी प्रकार के और भी न्यूमेरिकल है लेकिन अब हम करने जा रहे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द इंडेक्स इसमें हम बेसिकली दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे पहला है एपरेंट और रियल डेप्थ और दूसरा हम पढ़ेंगे टी आई आर सो आज तो हम एपरेंट और रियल डेप्थ के ऊपर पढ़ लेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है इसमें और टी आई आर वाला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे ठीक है आपके लिए लाएंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे पहली एप्लीकेशन है एपरेंट डेप्थ एंड द रियल डेप्थ अभी क्या होता है जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ भी बोलते हैं apparent को आप क्या बोल सकते हो वर्चुअल डेप्थ भी बोल सकते हो ठीक है वर्चुअल डेप्थ ओके तो ये भी आप बोल सकते हो कई बार आपने देखा होगा पानी के अंदर कोई नींबू रखा है गिर गया है या फिर सिक्का पांच का दिखा रखा हुआ है या कोई डॉट पानी के अंदर है या फिर कोई भी बॉटम जो होता है टैंक का ठीक है

असर होता है ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही ये फिनोमेना है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसा कुछ फिनोमेना जो है नेचर में देखने को मिलता है ठीक है इसी प्रकार जब आप आसमान में जनरली स्टार वगैरह देखते हो ठीक है तो स्टार कहीं और होता है एक्चुअली में और आप देखते कहीं और हो तो मतलब आप हमेशा स्टार की एपेरेंट पोजीशन देखते हो रियल पोजीशन नहीं देखते ठीक है इसी प्रकार बच्चों अगर रेगिस्तान में हम देखें तो रेगिस्तान में हमें कई बार भ्रम हो जाता है ठीक है ओएसिस नजर आने लग जाते हैं ठीक है जिसे हम मिराज बोलते हैं ऐसी कई बार बहुत गर्मी पड़ती है और सड़क खाली है तो लगता है कि दूर सड़क पे एक्चुअली में सड़क पे पानी गिरा हुआ है बट वो पानी नहीं गिरा होता एक्चुअली में वो एक्चुअली में क्या है एक्चुअली रिफ टी आई आर का एक एग्जाम्पल है ठीक है ना वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है इसी का एक फिनोमेना है ठीक है तो इन्हीं में से हम एक फिनोमेना यानी कि एक जो केस है एप्लीकेशन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपरेंट डेप्थ एंड द रियल डेप्थ इसको आप जनरली आप पानी के टैंक में ग्लास के अंदर कोई सिक्का गिरा हुआ है या बाल्टी में पानी भरा हुआ उसके अंदर मग्गा रखा हुआ है तो आप देखना उसमें मग्गे या तो ऑबुलेट साइज में दिखाई देगा या थोड़ा सा अपने बॉटम से उठा हुआ नजर आएगा ज्यादा भी नहीं होता ध्यान रखना ठीक है आपने केमिस्ट की दुकान पे गए होंगे केमिस्ट कई बार ग्लास रख देता है आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर और जो शब्द होते हैं वो ऊपर की तरफ निखर के आ जाते हैं ठीक है ये भी बच्चों क्या है अपरेंट डेप्थ का एक एग्जाम्पल है रियल डेप्थ का एक एग्जाम्पल है ओके चलिए जरा करते हैं जरा इसको कैसे होगा ये लेट सी नाउ तो सबसे पहले हम एक टैंक बना लेते हैं बच्चों और ये टैंक जो है पानी से पूरा भरा हुआ है पूरा का पूरा ये टैंक भरा हुआ है पानी से राइट right? इस टैंक के बॉटम में इस टैंक के बॉटम में लेट कर लो यहां पे यहां पे कोई डॉट है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है डॉट का मतलब ऑब्जेक्ट रखा है राइट अब यहां से कोई व्यूअर जो है इसको देख रहा है इस डॉट को तो लेट करते हैं कि पहले हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं आ, ये सपोज बच्चों नॉर्मल है नॉर्मल क्या होती है एक रे होती है है ना नॉर्मल अ रे नॉर्मल क्या है रे होती है इसको थोड़ा इधर ही शिफ्ट कर देते हैं भाई डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है राइट देखो ये टैंक है ये टैंक है सपोज कोई भी टैंक है और इसमें मैंने कोई भी लिक्विड फ्लो भर दिया है इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और ये रेयर मीडियम म्यू वन है ओके आ, यहां पे बच्चों ये जो टैंक की जो पूरी डेप्थ दिख रही है आपको ये टैंक की टैंक की डेप्थ है इसे हम बोल रहे हैं रियल डेप्थ क्या बोल रहे इसको? इसको हम रियल डेप्थ यानी जो एक्चुअल गहराई है ठीक है इसको हम एक्चुअल या रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं ओके टैंक की जो एक्चुअल में गहराई है राइट जो हाइट है सपोज गहराई है सपोज वो आप लेट कर लो इसको तो एच कह सकते हो इसको वैसे तो, तो ना ये नॉर्मल हो गया जैसी ये लाइट इधर जाएगी अंदर उस, उसी एंगल उसी उसी पाक पे ये बाहर भी चली जाएगी चलो ठीक है ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहां से कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है। ऑब्लिकली ऐसे यहां से ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है। मतलब कोई ऑब्जर्वर यहां पर है और सपोज हाँ तो ऑब्जर्वर की आई है बच्चों यहां पे ये तो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है ये ऑब्जर्वर ठीक है ये, ये, ये मीडियम है तो ऑब्जर्वर इस डॉट को जो बॉटम टैंक के बॉटम पे रखा है एट द रियल डेप्थ वो इसको यहां से देख रहा है इस एंगल पे ओके यहां से ऐसे देख रहा है इसको देख रहा है ये ऐसे करके बट ये जो डॉट है उसको यहां नहीं दिखाई देगा उसके डॉट इधर दिखाई देगा अब इधर क्यों दिखाई देगा चलो इसका हम डायग्राम बनाते हैं ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से तो लेट कर लो कि भाई बच्चों लाइट उसकी आंखों में ऐसे जाएगी राइट लाइट तो ऐसे जानी चाहिए उसकी आंखों में बिल्कुल स्ट्रेट बट क्योंकि हमें पता है कि अब लाइट जो है डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर कर रही है तो यहां पे हम एक नॉर्मल और ड्रॉ कर देते हैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने ठीक है लाइट यहां से डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट क्या हो जाएगी नॉर्मल से दूर हटेगी ओके तो यानी अगर ऑब्जर्वर यहां से इस पे देख रहा है तो उसको डॉट यहां नहीं दिखाई देगा वो डॉट को यहां देखेगा ठीक है उसकी आंखों में जो लाइट है कुछ ऐसे फॉल करेगी ऐसे समझ रहे हो उसकी आंखों में लाइट थोड़ी सी बैंड होके जाएगी ना कि सीधा एकदम बॉटम से यानी जहां पे डॉट है इस ऑब्जेक्ट से उसकी आंखों में सीधे लाइट जाएगी तो लाइट जैसी रेयरल मीडियम में आएगी ये बैंड हो जाएगी इसके वजह से क्या होगा ये जो ऑब्जेक्ट है दिखाई देगा यानी यहां पे ऑब्जेक्ट ना दिख के वो यहां पे देखेगा इस वाले पॉइंट पर ठीक है इसे हम बोलते हैं बच्चों एपरेंट पोजीशन ओके ये रियल पोजीशन है और ये एपरेंट पोजिशन है और ये एपरेंट डेप्थ का मतलब बच्चों ये 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 जो आप देख रहे हो ये वाला दिस इज़ द डेप्थ क्या है डेप्थ है यानी कि ये इसकी वर्चुअल डेप्थ हो जाएगी यहां से यहां तक अगर मैं लेट कर लिया पॉइंट ए है ए आई ठीक है ए आई इज द एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ इज एओ बात समझ आ रही है ठीक है तो मान लो कि आ, और ये जो यहां पे नीचे जो जितना ही शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ ओ से आई तक जो शिफ्ट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे हम? नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे ओके? जितना तक शिफ्ट हो चुका है, फाइन चलिए तो यानी कि यहां पर हमारे पास तीन चीजें बच्चों एपरिंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट और रियल डेप्थ राइट अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लॉज अप्लाई करेंगे और थोड़ा लेबल कर लेते हैं तो ये वाला ये नॉर्मल है और ये एंगल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ठीक है हमें क्या निकालना है बच्चों हमें तो यहां पे रिलेशन फाइंड करना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वर्सेज द डेप्थ तो ये हमें क्या देगा ये हमें रिलेशन देगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेप्थ चाहे डेप्थ हो चाहे रियल डेप्थ हो ठीक है तो यानी म्यू और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है फाइन चलो कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आई हो जाएगा वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर ये आई तो ये भी आई हो जाएगा राइट right? और इसको हम बी कह देते हैं फिलहाल के लिए इस वाले पॉइंट को अगर ये आर है बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा क्या हो जाएगा आर देखो ये आर है तो ये भी आर होगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये यहां पे दोनों एंगल क्या बना रहे कोरस्पॉन्डिंग बना रहे ओके इसलिए आर हो जाएगा चलिए अब हमें सॉल्व करना है यहां पे अगर हम देखें बच्चे ज्यादा भी इतना डिफरेंस नहीं होता है जैसे यहां पे जो ओ बी है वो नियरली इक्वल टू एओ के बराबर होगा दैट इज द रियल डेप्थ ओके ये इसमें कंडीशन है ठीक है और अजम्पन आप कह सकते हो और जो बी आई होगा वो नियरली इक्वल टू ए आई होगा दैट इज द डेप्थ ठीक है और यहां पे जो आईओ है इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल शिफ्ट और इसकी जो वैल्यू होगी नॉर्मल शिफ्ट की एओ माइनस ए आई हो जाएगी देखो इससे नूमेरिकल आ सकता है या पूरी डेरिवेशन आ जाती है फिलहाल अभी मैंने देखा था लास्ट ईयर ये केस स्टडी में आया हुआ सवाल है इसमें इन्होंने एरिया पूछ रखा है एक मतलब नीचे एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे एरिया यहाँ पे जो बल्ब है वो जो ऊपर जाके बल्ब फैलेगा वो कितने एरिया में फैलेगा ठीक है ना जो उसके पिच जो है वो क्या होगी कुछ ऐसा करके स्पॉट का एरिया क्या होगा वो इन्होंने पूछा गया था ठीक है तो वो हम आई आर में करेंगे वो टी आई आर वाला सवाल है जब हम नेक्स्ट क्लास uh, में कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे चलो अप्लाई अब क्या करेंगे अब हमें हमें तो क्या करना है म्यू और जो डेप्थ uh, इसके बीच में रिलेशन बताना है ठीक है सो अप्लाई यहां पे स्नेल स्लो अप्लाई स्नेल स्लो एट बी तो बी पे हम क्या करेंगे स्नेल स्लो लगा देंगे ठीक है तो अप्लाई स्नेल स्लो एट बी तो मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर अब लाइट कहां से जा रही है लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है यानी से रेर में एंटर कर दिया right? तो कैसे लिख दोगे म्यू वन बाई म्यू टू ओके फिलहाल अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइनाई का मतलब ये एक तरह से ए बी ओ एक राइट एंगल ट्रेंगल है एओबी क्या एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो साइनाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो यानी sin i हो जाएगा ab अपॉन में ob यानी इस वाले ट्रायंगल में aob में जो sin i होगा बच्चों ab अपॉन क्या हो जाएगा ob हो जाएगा ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखो जो sin r है वो ai अपॉन में क्या हो जाएगा सॉरी ab अपॉन में क्या हो जाएगा bi हो जाएगा ab अपॉन में क्या हो जाएगा bi ab bi तो इसमें bi हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो भाई ab से ab कट हो गया दिस इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू ठीक है आप ये भी लिख सकते हो कोई वो नहीं चलो हम फिलहाल इसको हम यही लिख लेते हैं बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे ठीक राइट टू जो म्यू जो टू वन टू म्यू वन है और बी आई किसके बराबर है बच्चों हमने एज्यूम किया था ए आई के बराबर और ओ बी ए के बराबर है तो दिस इज टू म्यू वन टू यानी की जगह हम क्या लिख देंगे लिख देंगे और बी ओ की जगह हम क्या लिख देंगे लिख देंगे ओके okay? तो ये आपका हो गया डेरिवेशन कंप्लीट ना अब यहां पे आप देखो इफ म्यूवन इज मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल टू ए आई बाई ए राइट इफ म्यूवन इज एआर तो इसकी वैल्यू बन हो जाएगी तो म्यू टू को हम म्यू कह देते हैं कोई भी मीडियम हो सकता है लिक्विड हो सकता है ये ठीक है मतलब कोई भी वाटर हो सकता है कैरोसिन ऑयल हो सकता है कोई भी मीडियम हो सकता है तो इसको हम म्यू कह देते हैं राइट इसको हमने म्यू कह दिया जगह तो वन अपॉन म्यू इक्वल टू ए आई अपऑन मे एओ तो, तो, तो यानी कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है या जो ए है जो एपर डेप्थ है वो एओ बाई म्यू हो जाएगा इसका मतलब आपका ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों एपरेंट डेप्थ का एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ ठीक है रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ठीक है तो ये फॉर्मूला है याद रखना कि जो एपरेंट डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ का रियल जो एपरेंट डेप्थ है रियल डेप्थ जो है अपॉन में म्यू टाइम्स हो जाता है तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मतलब यहां पे अगर इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर लेट कर ले हम यहां पर चलो एक चीज और और पहले हूं, और इसी में हमें नॉर्मल शिफ्ट निकालना है नॉर्मल शिफ्ट का मतलब बच्चों क्या होता है यहां पे कि भाई ये जो पॉइंट ओ है ये कितना वर्टिकली बिल्कुल परपेंड वर्टिकली ऐसे ठीक है नॉर्मली शिफ्ट हो गया यानी ओ से आई तक का जो डिस्टेंस है इसे हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं तो लेट करते हैं नॉर्मल शिफ्ट को हमने ओ आई बोल दिया डेट इज इक्वल टू ए माइनस में क्या हो जाएगा ए आई हो जाएगा दैट इज अ नॉर्मल अमल अब ए हमारे पास देखो बच्चो आ, जो ए है ये तो यही रहेगा और ए आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे ए आई की जगह एओ बाई म्यू पुट कर देंगे यहां पे अगर मैं इसको रख देता हूं इस तरीके से सो अपॉन म्यू ठीक है किसी किसी में इसको ओ आई को टी लेट कर लिया है बच्चों ए ओ को इन्होंने डी लेट कर लिया है ठीक है और वन माइनस वन अपॉन म्यू हो जाएगा सो so अगर हम लेट कर ले कि डी इज द एक्चुअल में डेप्थ है और टी यहाँ पे क्या है नॉर्मल शिफ्ट है ठीक है तो नॉर्मल शिफ्ट का ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है ओके चलिए एग्जाम्पल लेके समझाता मैं फॉर बच्चों लेट कर लो कि इसका जो इंडेक्स है, वो वन पॉइंट फाइव है एक टैंक है ठीक है और इसमें वाटर फिल है सपोज लेट कर लो वाटर फिल है मान लो इसके अंदर वाटर फिल है और यहाँ पे एक डॉट है इसकी जो डेप्थ है बच्चों वो हम लेट कर लेते हैं कि सपोज

वन थर्टी अपॉन में वन पॉइंट थ्री इसको आप काटोगे तो ये करीब हंड्रेड आ जाएगा ठीक है तेरह एक तो दस तो हंड्रेड 100, तो हंड्रेड 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों डेप्थ हो जाएगा और आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मल शिफ्ट क्या है यहाँ पे तो नॉर्मल शिफ्ट आप ऐसे निकाल सकते हो तो नॉर्मल शिफ्ट में क्या करोगे एओ इसमें से आप इसको घटा दोगे ठीक है एपरेंट डेप्थ को डेप्थ को घटा दोगे रियल डेप्थ में से ठीक है तो ये क्या आ जाएगा 130 थर्टी माइनस

सो दिस इज द क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड ठीक है तो ये डेरिवेशन पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है मतलब डेरिवेशन डेरीवेशन पूछ लेते हैं या अभी तो फिलहाल जनरली जो आपके वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस्ड सवाल इस पर बन जाते हैं पूरा उठा के आपसे पूछ लिया जाता है राइट चलिए अभी फिलहाल न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसके ऊपर तो ये बच्चों पहली एप्लीकेशन होगी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ठीक है नाउ लेट्स सॉफ द न्यूमेरिकल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है बच्चों पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर मतलब एक टैंक को 12.5 सेंटीमीटर तक फिल कर रखा है एंड द एपर डेप्थ ऑफ द निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर तो माइक्रोस्कोप जो है जो एपर डेप्थ है निडल की ठीक है जो टैंक के बॉटम पे लाई कर रहा है वो 9.4 सेंटीमीटर पे मेजर कर रहा है इसका मतलब हमें डेप्थ ये हमसे पूछा गया है कि वट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉटर तो कैसे निकालेंगे इसको जरा और उसके बाद आगे इन्होंने बोला है इफ द वॉटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन अप टू द सेम हाइट बाई वट डिस्टेंस वोट द माइक्रोस्कोप है नीडल अगेन ठीक है तो पहले हम जरा इसको फिगर फिगर आउट करते हैं सबसे पहले बच्चों इन्होंने पानी का एग्जाम्पल दिया है कि भाई एक टैंक है लैट कर लो भाई ये मैंने टैंक बना दिया यहां बना देते हैं ओके ये टैंक है और इसको फिल कर रखा है कितनी हाइट तक 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक यानी 12.5 सेंटीमीटर तक इसको क्या क्या है पानी से फिल कर रखा है यहाँ तक यहां तक इसको फिल किया क्या है ओके दिस इज वॉट दिस इज द रियल डेप्थ इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों रियल डेप्थ बोलेंगे तो यहाँ पे एक नीडल पड़ी हुई है बच्चों ये सुई पड़ी हुई है यहां पे राइट right? यहां पे एक सुई पड़ी हुई है इस तरीके से ये सुई रखी हुई यहाँ पे निडल है ये बॉटम पे ओ पे राइट अब यहां से क्या किया जा रहा है माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है यहां पे यहाँ पे सपोज माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा रहा है निडल को और ये देखा गया निडल जो है ये इस वाले हाइट पर इस वाले डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है यानी सपोज ए है ये आई है तो मतलब निडल यहां पे दिखाई दे रही है बच्चों कहां पे यहां पे ओके तो यहां पे निडल दिखाई दे रही है और ये जो एपरेंट डेप्थ है ये वाली ये एपरेंट डेप्थ ये वाली depth, डेप्थ ठीक है दिस डेप्थ डेप्थ हमें है बच्चों कितनी नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ये हमें दे रखी है और तो मतलब हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों रियल डेप्थ दे है रियल डेप्थ डे डे तो रियल डेप्थ यानी एओ हमें दे रखा है कितना 12.5 सेंटीमीटर और हमें यह भी दे रखा है बेटा यानी ए आई डेट इज द 9.4 सेंटीमीटर तो पूछा गया है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर ठीक है ये हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो अगेन हमें पता है फॉर्मूला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है रियल डेप्थ

इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों कितना आ जाएगा आ, कितने पे कट सकता है ये जरा देखें तो टू से काटेंगे तो फोर्टी सेवन पे कट जाएगा ये और ये टू से काटेंगे तो कितना आ जाएगा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर टू फाइव ज़ा टेन फोर्टी सेवन टू ज तो नाइन्टी फोर हो जाता है ठीक है तो ये तो ऐसे होगा नहीं और हो आगे आ, कुछ और देखते हैं इसके राउंड इसके नियर बाई छः से काट लेते हैं इसको देखो सिक्स एट ज़ा 48 होता है, लगभग ये छ पे कट जाएगा ठीक है इसको इसको आप आप काटोगे और और एक के आसपास आ जाएगा। सीधे से से काट दो बच्चों, एट वन झा एट यानी टू फोर एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ठीक है जीरो एट टू जा सिक्सटीन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बच्चों वन पॉइंट थ्री जीरो टू के आसपास आएगा या वन पॉइंट थ्री के आसपास आएगा ओके तो पहला तो हमें यह पूछा गया था कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है अब अगला सवाल जिसमें इन्होंने पूछ रखा है बच्चों वो ये पूछ रखा है कि अगर हम इस लिक्विड को चेंज कर दे हालांकि अब इनका जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों क्या है नेक्स्ट सवाल इफ द वॉटर इज लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अगर अब हम इसको रिप्लेस कर दे किस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तब यहां पर माइक्रोस्कोप को बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड अब इस माइक्रोस्कोप को कितना और ऊपर उठाया जाएगा ठीक है कितना और शिफ्ट किया जाएगा यानी कि आपको माइक्रोस्कोप कितना ऊपर शिफ्ट होगा ये हमें बता बताना है ठीक है शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप की पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले आपको न्यू एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी ठीक है और फिर उसके बाद जो 9.4 है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा न्यू एपरेंट डेप्थ में से यानी कि अगर लेट कर लो ये अगर ये डेप्थ चेंज होगी तो भाई इसका मतलब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो जितना ये आई शिफ्ट होगा ऊपर उतना ही हमें माइक्रोस्कोप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा समझ गए जितना ये आई शिफ्ट होगा भाई उतना ही उतना ही डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस निडल को क्या कर सके रीफोकस कर सके तो यानी कि नाउ अब वाटर इज रिप्लेस्ड बाय नाउ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय बाई एनी लिक्विड लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट सिक्स थ्री सिलेक्ट कर लेते ठीक है सो देन नाउ जो न्यू अपरेंट पोजिशन होगी बच्चों न्यू अपरेंट पोजिशन क्या आ जाएगी लेट सपोज ए प्राइम या ए आई प्राइम कह लेते सपोज आई यहां पर आ गया ए आई प्राइम दिस इज इक्वल टू वट इज रियल डेप्थ अपॉन में इंडेक्स ठीक so, है, डेप्थ कितना से ट्वेल्व यहां पर चार पे काट लेते हैं फिलहाल चार से काटेंगे तो चार चौक सोलह और इसके बाद चार एकम चार जीरो पॉइंट फोर वन के आसपास ही कट जाएगा सपोज ठीक है तो और इसको काटोगे चार ठिया बारह चार एक चार चार दुनिया चार पीस इसको चालीस ही लाइट बेटा फिर दोबारा चार से काट दो तो वन पे कट जाएगा फोर वन जा फोर इसको भी काट दो यानी कि यहाँ पे पॉइंट वन है ऊपर जाके टेंस से इंटू हो जाएगा तो ये सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव सेंटीमीटर आ जाएगा देखो ये तो हो गई न्यू अपेरेंट पोजिशन अब माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट किया जाएगा सो माइक्रोस्कोप मस्ट बी शिफ्टेड टू शिफ्टेड इक्वल टू क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 9.4 में से सो so, 9.4 पॉइंट माइनस 7.8125 ओके अच्छा हो सकता है कि भाई परफेक्ट काटोगे तो 7.7 के आसपास आ जाएगा थोड़ा सा डेसिमल में आंसर वेरी कर सकता है राइट दस so, में से पाँच गया पाँच नौ में से दो गया सात ठीक है और इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो कितना नौ में से एक गया आठ और यहाँ पे फोर है बेटा तेरह में से आठ गया तो 5 बचेगा, ठीक है और यहाँ पे आठ में से सात गया तो एक बचेगा। तो यानी माइक्रोस्कोप को करीब हमें इतना सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा यानी ये जो माइक्रोस्कोप है इसको थोड़ा सा यानी वन 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट करना पड़ेगा या आप इसको ऐसे लिख देना 1.6 सेंटीमीटर के अराउंड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ओके चलो तो ये कुछ इस तरीके का सवाल था बच्चों ठीक है आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा और ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है सो आई होप बच्चों ये आपको समझ आएगा कांसेप्ट ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड एप्लीकेशन कराऊंगा यानी टी आई आर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें और उनको जोड़ के दे देते हैं ठीक है ना तो ये वाला टॉपिक और जो टी आई आर होगा दोनों आपको कंबाइन करके आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो इसको और उसको जोड़ देंगे हम क्वेश्चन भी करेंगे उससे बेस्ड तो इसका एकाध न्यूमेरिकल और में यू कैन जस्ट ट्राई योर सेल्फ राइट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट ऑन अवर बैड व्हाट्सअप चैनल्स क्रेजी फॉर फिजिक्स और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सेवन जीरो डबल वन नाइन डबल एट फाइव वन एट आप इसे मुझे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई आप ही के लिए बनाते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो इन महिपालपुर न्यू दिल्ली राइट मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आपका दिन शुभ रहे